दोस्तों शनि मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है तो एक बुरी खबर है। दोनों खबर मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूं। वैसे मेरा मकसद नहीं था कि ये वीडियो बनाने का, क्योंकि ये न्यूज़ मैं पहले ही टेलीग्राम पर शेयर कर चुका था, लेकिन काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी बार बार मैसेज कर पूछ रहे थे कि सर ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या सलूशन है, आगे क्या इसका प्रभाव हमारी भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा। और काफ़ी अभ्यर्थी एज के बारे में भी पूछ रहे थे कि सर क्या एज में हम लोगों को छूट मिलेगा। ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और मैं बता दूं ये ऑफिशियली तौर पर हो चुका है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दो दिन तीन दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जल्दी ही आपको एक अच्छी खबर मिलने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा होने वाला है। वैसे कुछ दिन पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जब आपको लगभग 10 दिन के अंदर सभी प्रक्रिया पूरा कर भेजना है तो कहीं ना कहीं बहुत से प्रक्रिया खाली रह जाता है और बहुत से सीट खाली भी बच जाएगा, और उसका यहाँ पर परिणाम दिखाई देगा आप लोगों को। 6 दिसंबर 2022 देख सकते हैं, आज के डेट में न्यूज़ है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है कि नए पदों पर बहाली की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3 चरण में आपकी बहाली की प्रक्रिया लगातार 3 साल तक आपकी भर्ती चलते रहेगा। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों पर होगा बहाली। अब ये 62,000 नए पदों पर जो बहाली होगा, इसमें कुछ प्रमोशन से भी पद होंगे, कुछ पद सृजित किए जाएंगे, और आपको बड़े संख्या में पद जो कांस्टेबल का पद है उस पर भी आपको नए जॉब आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कि वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं को जल्द सुनहरा अवसर मिलने वाला है। बिहार पुलिस में 1-2 हज़ार नहीं, लगभग 62,000 पदों पर होगी बहाली। 1 से 2 महीने में इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल सिपाही के करीब 6,500 रिक्त पदों से, यहाँ पर देख सकते हैं, 6,500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो अभी तक जो मिला हुआ है विभागों से डाटा, वो 6,500 है, और हो सकता है कि कुछ दिन अभी और बाकी है, इस कुछ दिनों में और भी इसमें पद जुट जाए। लेकिन फिर भी जो हम लोगों का था कि हम लोग का जो टारगेट था कि 12,000 कम से कम जो पद पर बहाली आना चाहिए, कम से कम 12,000, क्योंकि काफ़ी संख्या लड़के इंतजार कर रहे हैं नई बहाली का। ठीक, 8,415 वाला इससे पहले बहाली प्रक्रिया हुआ, उसमें भी कम सीट कर दिया गया था, उसका कारण था, उसका और भी कारण था, मैं कभी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। फिर 11,880 पदों पर जो भर्ती हुआ था, वो बड़े असर की भर्ती था, वैसा आपको भर्ती की एक और ज़रूरत था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि होने जा रहा है, वहीं बाकी 55,000 से अधिक पदों पर चरणवार की जाएगी भर्ती। जल्द ही नए पद के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। ठीक, नए पद का भी सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, और भी पढ़कर मैं पूरा आपको पढ़कर बता दूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और मैं भी समझा दूंगा आपको कि क्या है, क्या चल रहा है। थोड़ा इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, आप लोगों के दिखाई देगा साफ साफ। यहाँ पर देखिए सिपाही की बहाली की, यहाँ पर देखिए बहाली की अधिसूचना जल्द। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पिछले दिनों जिला और इकाइयों से सिपाही के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। यह आंकड़ा मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है, देखिए मुख्यालय तक पहुंच चुका है, जो भी आपको इकाई और विभाग दे चुके हैं। बिहार पुलिस में वर्तमान स्वीकृत सिपाहियों के पद का लगभग 6,500 पद यहाँ पर रिक्त है, 6,500 पद हैं रिक्त। पुलिस मुख्यालय रोस्टर क्लियरेंस में जुट गया है, अब रोस्टर क्लियरेंस में भी जुट गया है, पूरा भी रोस्टर क्लियरेंस भी नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर के आखिरी या जनवरी में हर हाल में सिपाही के इन रिक्त पदों की बहाली अधिसूचना केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही को भेज दी जाएगी। यानी कि या तो आपको आखिरी दिसंबर में, जो कि मैंने बोला था कि सेकेंड वीक तक अगर क्लियर हो जा रहा है, हर एक विभाग अगर भेज दे रहे हैं, तो फिर ये CSBC तक भेजा जाएगा। ठीक, इसमें आपको थर्ड या फोर्थ वीक भी दिसंबर लग सकता है, या शुरुआत जनवरी भी हो सकता है। वो सेम चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए मैं पिछले 5 साल से ये देख रहा हूँ प्रक्रिया, पिछले 5 साल से लगातार एक एक चीज़ मैं इस पर पढ़ता हूँ, देखता हूँ और समझता हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ से कहाँ भर्ती प्रक्रिया जाएगा, कैसे वहाँ से फिर फाइनल होगा, और फिर फाइनल होकर कैसे आपके CSBC को भेजा जाता है। ठीक, उसमें समय लगता है, और इसमें जानबूझकर भी थोड़ा बहुत डिले किए जाते हैं, जानबूझकर भी, आपको लगे होगा कि जानबूझकर किए जाते हैं। एक दिन आगे समय में वो भी आपको बताऊँगा कि क्यों किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए 74,000 नए पदों का सृजन। बिहार पुलिस में अभी पुलिस के विभिन्न श्रेणी के 1,52,000, यहाँ पर देखिए 1,52,000 के करीब स्वीकृत बल हैं, यहाँ पर 1,52,000 स्वीकृत बल है। जल्द ही नए पदों का सृजन किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक गृह विभाग में दरोगा, देखिए अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कांस्टेबल का दरोगा के भी भर्ती आने वाला है। ठीक, दरोगा यहाँ पर देखिए ASI की बहुत दिनों से भर्ती रुका हुआ है। हवलदार सिपाही और चालक सिपाही के करीब 74,000 पदों के सृजन की कार्रवाई जारी है। इनमें 56,000 के आसपास ऐसे पद होंगे जिन्हें सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा, यानी कि 56,000 जो पद होंगे ये सीधी नियुक्ति से, यानी अभी जो स्वीकृत जो पद है ये आप लोग ये देख रहे हैं कि 1,52,000 ये आप जो देखे हैं, इसमें से अभी बिहार में उपलब्ध लगभग 1,00,000 पुलिसकर्मी हैं,
1 लाख पुलिसकर्मी है, तो लगभग आप देखिएगा कि अभी और भी पुलिसकर्मियों की संख्या बहाली करना जरूरी है। ठीक, करीब 74,000 पदों के सृजन की कार्रवाई जारी है। इनमें से 56,000 के देखिए आसपास ऐसे पद होंगे जिन्हें सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा। मैंने बोला ना कि अभी सीधी नियुक्ति से लगभग देखिएगा कि आपको 1 लाख से अधिक जितना पद आपको स्वीकृत किए गए उतने पद भरे जाएंगे। फिर नेशनल स्तर पर जाने के लिए और भी पद की जरूरत पड़ेगी। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि भरा जाएगा। वही दरोगा के सृजित होने वाले यहाँ पर देखिए दरोगा के सृजित होने वाले आधे पदों के अलावा ASI और हवलदार के पद की पुनोति से भरा जाएगा। यानी कि दरोगा में क्या होते हैं कि ASI भी आपको दरोगा बनते हैं, यानी ASI बनते हैं, हवलदार भी दरोगा बनते हैं। फिर ऐसे कर ये यानी कि आपको जो प्रमोट होकर यानी कि प्रमोशन के अकॉर्डिंग जो भरा जाएगा पद, उसके बारे में भी ये दिया हुआ है, जो कि आपको लगातार होते रहता है ये काम। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि पदों की पुनोति हवलदार के पद पुनोति वाले भी पद आते हैं। अफसरों के मुताबिक पदों के सृजन का कार्य अंतिम चरण में है। यहाँ पर देख सकते हैं कागजी कार्रवाई होने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, और फिर ये दिया हुआ है कि ERSS, अब इसके लिए भी पुलिसकर्मी की जरूरत है लगभग 20-22 हज़ार। अब ये क्या है समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, आपातकालीन सेवाओं के तहत शुरू किए गए 112 जो डायल होता है ना, डायल करते हैं 112 आपातकालीन सेवा मौजूद हो जाता है। 112 की सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी और अफसरों की जरूरत है। पुलिस मुख्यालय द्वारा किए गए आकलन के मुताबिक आपातकालीन इस सेवा को पूरे राज्य में 2 चरणों में लागू होनी है। पहले चरण के तहत पटना और राज्य सभी मुख्यालय में इसे शुरू कर दिया जाएगा, और दूसरे चरण को मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं 20-22 हज़ार पुलिसकर्मी की जरूरत होगी। नए पद में ये भी शामिल होंगे। यानी कि यहाँ पर दो पद है कि जो ये रिस्पॉन्स अब वाला टीम है, जैसे कि रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, इसके लिए भी लगभग 20-22 हज़ार लोगों की जरूरत होगी, यानी पुलिसकर्मियों की जरूरत होगी दूसरे चरण में। ठीक, और इसका भी भर्ती आपको शामिल होने वाला है, जो नई भर्ती आने वाला है। ठीक, या ये भर्ती नहीं आएगा तो इसके बाद जो नई भर्ती आने वाला है उसमें जरूर इसका बड़े स्तर पर पद शामिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देखिएगा कि ये नई चीज़ जो बनाया गया है इसके लिए लगभग 20-22 हज़ार पुलिसकर्मियों की जरूरत है, जिसमें दरोगा होंगे, ASI होंगे, सिपाही होंगे कॉन्स्टेबल, यानी कि तो ये बड़े स्तर पर इंस्पेक्टर होंगे, DSP रैंक के पद होंगे। तो ये जल्दी से रिस्पॉन्स देने के लिए, जैसे कि ये डायल करते हैं, जैसे बड़े बड़े शहर में नहीं होता है, दिल्ली में, मुंबई में, ये सब देखिएगा कि जल्दी से लोग पुलिस वहाँ पर पहुँच जाता है। वैसे अपने बिहार में भी ये कोशिश हो रहा है कम से कम जिला मुख्यालय तक कि ये काम हो जाए, यानी कि प्रत्येक जिला में ऐसे आपको रिस्पॉन्स टीम रहे कि प्रत्येक डायल करने पर जल्दी से वहाँ पर रिस्पॉन्स करने के लिए पहुँच जाए पुलिसकर्मी। तो कम से कम एक गाड़ी में तो 5 कॉन्स्टेबल रहना ही चाहिए, एक आपको ASI रहना चाहिए, हो सकता है कि अगर उससे बड़े स्तर पर एक इंस्पेक्टर रहना चाहिए कि जैसे जैसे जहाँ पर जितना जरूरत होता है वहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँच जाए। तो इसके लिए ये इतना पद की आपको जरूरत है, ये आपको कम लग रहा होगा लेकिन ये काफी पद है। ठीक, और इसका भी पद आपको नई भर्ती में जुड़ने वाला है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग का ये टारगेट था कि लगभग 12,000 पद इस बार आपको मिलना चाहिए, हो सकता है कि ये 2 बार में भर्ती प्रक्रिया हो, यानी कि अगले साल भी ये भर्ती प्रक्रिया दिखे। अगले साल अगर जनवरी में आता है तो मिड आपको 2023 तक भी एक भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाए। और ये सभी को देखिए, ये सभी भर्ती प्रक्रिया को कराने में सरकार का पैसा भी लगता है, वेतन भी देना पड़ता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और मैंने आपको बोला था कि जो जिस समय विरोध करना चाहिए, अगर उस समय आप लोग विरोध नहीं करते हैं और किसी के बहकावे में आकर दब जाते हैं, विरोध करने का मतलब मैं ये नहीं बोलता रोड पर उतर रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि कम से कम अपनी आवाज़ डिजिटली तो पहुँचा सकते हैं ना, ट्विटर के माध्यम से या आपको मेल के माध्यम से या कहीं ना कहीं सरकार के आगे आपके वैसा प्रतिनिधित्व है आपके सामने, तो उनसे ये बात कह सकते हैं कि मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट बहाली पुलिसकर्मी वाले में घुस रहा है, जैसे कि आपको जो सिपाही रिटायर हो चुके हैं वो भी सिपाही पर रख दिए जा रहे हैं, जो दरोगा रिटायर हो चुके हैं वो भी दरोगा पर रख दिए जा रहे हैं, तो अगर उनको 4 से 5 हज़ार या मैक्सिमम आप देखिएगा 6 हज़ार तक मिले हुए हैं एक साल में, अगर इतना पुलिसकर्मी रिटायरमेंट वाला ये मिल जा रहे हैं, तो क्यों नहीं भर्ती की ये पुलिसकर्मी इतना घटा देंगे? वो सोचेंगे ना कि भाई ट्रेनिंग में पैसा देना पड़ेगा, इनका पेमेंट शुरू से शुरुआत हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट पर ही बहाली लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ही 2 साल के लिए 3 साल के लिए उनको ले रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो ये जो प्रक्रिया शुरू किया गया है बिहार में 2 साल पहले, जो 2020 में शुरू किया, आप देखिएगा बड़े स्तर पर शुरू किया गया है, उसके चलते आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इसको तभी खत्म किया जा सकता है जब अपने आप बात बढ़ चढ़ कर उठाइएगा, और साथ में जो CSBC है वो प्रत्येक जो अलग अलग, जैसे कि फॉरेस्टर का लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, पद खाली भी है लेकिन भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रहा है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है? कम से कम उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं या उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो मंत्री है, उनको ये काम करना चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भर्ती है उसे क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार बना ही है इस बात के लिए कि हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, तो आखिर किस बात के लिए ये मतलब कि ये इंतजार हो रहा है कि हम कब रोजगार देंगे?
तो कम से कम फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर में अभी भर्ती आता है तो लड़कों को जो एज है उसमें भी छूट दिया जाएगा, और उसमें छूट दिया जाएगा तो लड़के एक बार और चांस लेकर अपना भर्ती की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। दूसरा बात, नो डाउट आप 6500 बोले हैं, आगे जाकर कुछ और बढ़ेगा, ये 6500 बोले हैं, ये 6500 जो भर्ती प्रक्रिया बोले इसमें भी लड़के एज का जो है ये इंतजार कर रहे हैं कि हमको एक बार छूट मिलेगा। मुझे लगता है कि छूट मिलेगा क्योंकि आप लोगों का बात पहुंच चुका है और आश्वासन पर दिया गया है उधर से कि नहीं ये इसमें हम लोग कोशिश करेंगे ये लागू करने के लिए, सो इसमें एज का छूट मिलता है। पर इसमें ये भी तो ध्यान देना हुआ है देना चाहिए ना कि जो नए लड़के हैं जो इस बार पास हुए हैं 2022 में पास हुए हैं, सो कट ऑफ डेट पासिंग तो 2022 रख देना चाहिए, भले ही एज 2022 जनवरी रखना चाहिए लेकिन अगस्त पासिंग 2022 रखना चाहिए, क्योंकि वो भी नए लड़के पास जो है वो कम से कम जुड़ जाएंगे। तो इस बारे में भी काफ़ी अभ्यर्थी हमसे मिले भी, हमने बोला कि आप लोगों का भी बात पहुंचाया गया है और आप लोग भी अपने स्तर पर कोशिश कीजिए कि वहां तक आपका बात पहुंच जाए। और ये कोई मतलब कि बड़ी बात नहीं है कि हम जो ये बात आप लोग बोलते हैं कि सर ये पहुंचा गया आप लोग नहीं कर सकते, बहुत से अभ्यर्थी मेल किए हैं CSBC को, मेल किए हैं कि सर मेरा एज खत्म हो चुका है मुझे एज में चाहिए, बहुत से अभ्यर्थी ये भी मेल किए कि सर मैं इसी साल का पास हूँ और मुझे एक बार और चांस मिलना चाहिए। तो ऐसे आपको एक्टिव होना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो पेपर वायरल होने वाला चीज़ होता है, पेपर वायरल हो जाता है उस पर भी तो कुछ लगाना है ना, क्योंकि जब भी बड़ा भर्ती आता है उसमें देखिएगा आंसर की वायरल हो जाएगा। ये 6500 बड़े ही भर्ती आप मान सकते हैं ना, मान लीजिए कि और भी इसमें पद जुटेगा, अभी तो इतना पद आ चुका है कम्प्लीटली कि इससे कम नहीं आपका भर्ती आने वाला है, इतना तो आने वाला है। हो सकता है कि और भी एक दो विभाग लेट से अगर भेजे तो वो CSBC को लेट से भेजता है तो वो भी जुट जाएगा इसमें नोटिफिकेशन आने से पहले, तो ये लगभग 7000 के करीब या 7000 प्लस भर्ती हो जाता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए अभ्यर्थियों के साथ, मुझे खुद ही दुख लग रहा है कि कम से कम जब इतना हज़ार आप भर्ती घटाकर भर्ती प्रक्रिया लोगे तो फिर लड़के मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म अप्लाई होता है और फॉर्म का भी दाम CSBC उतना ही रखता है काफ़ी ज़्यादा। तो परीक्षा में कम से कम जो धांधली ना हो उस पर भी रोक होना चाहिए कि जो इस ये बड़े स्तर की भर्ती आती है उसमें आंसर वायरल हो जाता है तो उस पर अंकुश लगेगा। मुझे इस बार लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा अंकुश लगने वाला है। ब्लूटूथ वाले पर भी प्रहार करना है जो कि एक्साइज कॉन्स्टेबल से शुरुआत होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस मैंने आपको दिखाया था कि 12 नवंबर 2022 को ही ये लिख दिया गया था कि 30 आपको देखिएगा नवंबर तक फाइनल रूप से सभी लोग जो अभी ज्वाइनिंग नहीं किए 8415 वाले और दरोगा वाले वो जल्दी से ज्वाइनिंग कर ले। उसके बाद भी मैं नोटिस दिखाया था 24 यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर 2022 को, और इसमें ये बताया गया था, देख सकते हैं कि इसमें ये बताया गया था कि 30 तारीख तक जितने भी हैं वो ज्वाइनिंग कर ले। और यहाँ पर यह भी दिया गया था कि 1/12/2022 अपराह्न तक बजे अनिवार्य रूप से उपलब्ध आंकड़ा करा दिया जाए। क्या आंकड़ा करा दिया जाए कि जो भी लड़के नहीं उपलब्ध हो रहे हैं तो वो भी आंकड़ा उपलब्ध हो गया था, इसलिए इतना पद आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, कि अलग अलग कैटेगरी में जो ये पद है ये उपलब्ध करा दिया गया है। अब यही देखना है कि जो आपको पद उपलब्ध कराया गया है मुख्यालय को, क्या वो आगे जाकर 5-6 दिन में और बढ़ जाएगा या मैक्सिमम 10 दिन में, या अभी ही मुख्यालय उठाकर सीधे कुछ दिनों में काम कर वो CSBC को भेज देगा और CSBC नोटिफिकेशन निकाल देगा। क्योंकि अभी अगर भेजता है विदिन आपको एक सप्ताह के अंदर अगर भेजता है तो मुझे नहीं लगता ये 6500 के और 7000 के बीच में ही रहेगा, लेकिन अगर 10 से 12 दिन मैक्सिमम लेट होते हैं तो कहीं ना कहीं पदों की संख्या बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा, और उसका भी अपडेट मैं आपको जल्द ही दूंगा। ठीक, बाकी आप लोग बोलते हैं कि सर ये भर्ती प्रक्रिया कब आएगा, देखिए आएगा, इत्मीनान रखिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, 100 क्वेश्चन का जो तैयारी करना है उसकी तैयारी में लगे रहिए। मैं भी पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी बेहतर कराने के लिए, क्या भी अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ, बुक ला सकता हूँ अपना अच्छा से अच्छा, आप लोग को मटेरियल उपलब्ध करा सकता हूँ, उस पर अभी काम चल रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अच्छे विचार में लिखिएगा कि सरकार का ये कैसा कदम है। और ये जो है मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि 2 दिन में न्यूज़ आने वाला है, अच्छी खुशखबरी है मुझे मिलने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सीटों की संख्या इतना घटा दिया जाएगा। फिर भी मतलब कि अपना ये मतलब आपा नहीं एक चीज़ खोना है, 6500-7000 भी इस पद अच्छा खासा कहलाते हैं, और मैं होप करता हूँ कि CSBC इससे अधिक ही पद की भर्ती निकाले, क्योंकि ट्रेनिंग की क्षमता विकसित हो चुका है, 10000-12000 लड़कों को ट्रेनिंग दिया जा सकता है, तो सरकार इस पर जरूर कुछ सोचेगा। बाकी अलग अलग विभागों से जो क्लियरेंस हुआ है, जैसे रोस्टर अभी पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं हुआ है तो उसका भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।